सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ, हर युग में सनातन धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के पंच सखा श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास जी, श्री जसवंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी ने आज से 600 साल पहले उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन धरती पर जन्म लिया था। सतयुग में कृपा जल, त्रेता युग में नल और द्वापर युग में सुदामा जी थे, जिन्होंने अच्युतानंद दास जी के रूप में उड़ीसा में जन्म लिया और फिर वह उड़ीसा समेत पूरे देश में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में पहचाने जाने लगे। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना कर दी थी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी थी, इसी प्रकार अच्युतानंद दास जी ने भी भविष्य मालिका पुराण के 185,000 ग्रंथ लिखे। भविष्य मालिका पुराण महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा गया है। आइए हम सभी सुनते हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की अमृतवाणी भविष्य मालिका पुराण। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। अति पवित्र धारा आज सारा विश्व में प्रकृति पंचभूत में भविष्य मालिका की वाणी एक एक करके प्रतिमान होता है। मनुष्य समाज आज आश्चर्य है क्या हो रहा है। सारा विश्व की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है, जो डेवलपमेंट है, आज उसकी पर भी विनाश का संकेत मिल रहा है। भारत में पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में गेहूं की फसल पर प्रकृति का तंडव देखने को मिल रहा है और उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, सारा विश्व जहाँ भी देखो प्रकृति पंचभूत का कराल तांडव। इसका कारण क्या है, इसके बारे में मनुष्य समाज को जानना जरूरी है। मानव सभ्यता की कल्याण, सनातन धर्म की पुनरुत्थापन और विश्व में धरती गोमाता भक्त पवित्र मानव को सुरक्षा सबसे बड़ा प्रश्न है। और ऐसे समय पर आज से 600 साल पहले भगवान महाविष्णु ने, स्वयं जगन्नाथ ने भक्त लोगों का उद्धार के लिए भविष्य मालिका का रचना कर दिया। भविष्य मालिका पुराण एक ही अक्षय ग्रंथ है जिसमें संसार की सभी मानव का और सनातन धर्म की युग का परिवर्तन का, प्रकृति पंचभूत का, प्रलय का सभी एक एक करके स्पष्ट रूप से वर्णन है। और आज के समय पर भगवान की कृपा से
और भगवान की इच्छा से ये भविष्य मालिका भक्त लोगों के लिए हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि सारा विश्व जब बोलते हैं कलयुग का अंत नहीं हुआ है, तो जगन्नाथ संस्कृति की धरोहर भगवान श्री कृष्ण के परम सखा द्वापर युग की दाम सुदाम सुवर श्रीवच्छ सुबाहु सुवर, जिन्होंने उड़ीसा की पावन धरती पर जन्म होके भविष्य मालिका पुराण भगवान कृष्ण की इच्छा से भगवान जगन्नाथ की आदेश पर लिखे हैं, वही शास्त्र से आज कलयुग का प्रमाण का कलयुग का अंत का प्रमाण हम देख रहे हैं। यह बहुत गुरुत्वपूर्ण तथ्य है, सभी को जब अनजान है तब ये मालिका वाणी भक्त लोगों के लिए सबसे जरूरी भी है। तो ये भविष्य मालिका पुराण उड़िया में लिखा गया था और भगवान की कृपा से उसका हिंदी रूपांतर कई भाषा से रूपांतर हो चुका है। आप भक्त लोग भविष्य के बारे में और भगवान और भक्त का मिलन के बारे में, सबसे बड़ा है ये सनातन धर्म धरती पर कैसे भगवान की आशीर्वाद से और कल के अवतार के धरावतरण से फिर धरती से सुख शांति फैलेगा, चारों ओर शांति समृद्धि और मनुष्य समाज में सुख का जो प्रभाव बढ़ेगा उसके बारे में आज हमको विचार करना पड़ता है। तो भविष्य मालिका के अनुसार हर वस्तु हर तत्व निराधार सत्य में प्रमाण हो चुका है, क्योंकि ये वाणी भगवान की है, कोई साधु संत का वाणी नहीं है। हे तुरा सहीवा पाई की औच्युत सहस्त्र पुराण कहले काल ठारू बड़ी काल जाए अक कथा टाले चिले राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद बोले जगन्नाथ स्वामी की। महापुरुष अच्युतानंद ने यही बोल रहे हैं, जब कलयुग का 5000 साल भोग हो जाएगा उसी समय मनुष्य समाज त्राहिमांग 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 ध्वनि सभी विश्व में गूंजेगा, उसी समय रोग महामारी बीमारी का तांडव देखने को मिलेगा। हर दिन टर्नाडो पंचभूत का प्रलय अग्नि प्रलय पवन प्रलय अंतरिक्ष प्रलय वायु प्रलय भूकंप का प्रभाव धरती पर देखने को मिलेगा, और उसी समय भक्त लोगों का हेतु जागृत करने के लिए, यानी भक्त जो है ना ऐसे भक्त नहीं होते हैं, हर युग में प्रभु का भक्त प्रभु का साथ आते हैं। सत्य युग में ऋषि मुनियों के रूप में आए थे, त्रेता में बानर भालू के रूप में आए थे और द्वापर में गोपी गोपाल की रूप से आए थे, जदुवंशियों की रूप से आए थे, और कलयुग में मानव की साधारण मानव रूप में भक्त लोग जन्म हुए हैं। और जो भगवान का कृष्ण का भक्त है जो थे, वही भक्त को उद्धार करने के लिए प्रभु भविष्य मालिका पुराण का रचना किया, और यही बोले हैं भक्त लोगों का हेतु यानी पूर्व जन्म का संस्कार को जागृत करने के लिए मैंने भविष्य मालिका का रचना कर रहा हूँ। और भक्त लोग ये भी जान लो, ये कलयुग की शुरुआत से कलयुग की अंत समय और कलयुग की अंत से संगम युग
और संगम से पूर्ण सत्य युग तक में भविष्य मालिका पुराण को पूर्ण और संपूर्ण और सरल और भक्त लोगों को समझने में सरल होना जैसा उसी तरह उसको रचना किया। और जब कलिजुग का अंत होगा उसी समय वही भविष्य मालिका का ग्रंथ सारा विश्व में प्रचार होगा। आज विश्व में भविष्य मालिका का ग्रंथ प्रचार हो रहा है और भक्त लोग भी उद्धार हो रहे हैं। 16 मंडल गठन काम चल रहा है। एक तरफ से कलिजुग का विनाश का संकेत, दूसरी तरफ से सत्ययुग का आगमन के लिए प्रभु की वैष्णव भक्त लोगों ने, नारायण की वैष्णव भक्त लोगों ने अपना प्रयास शुरू कर दिया और भविष्य मालिका के अनुसार 16 मंडल का गठन शुरू हो गया। और 16 मंडल का गठन पूर्ण हो जाएगा, धर्म संस्थापना और ज़्यादा बढ़ेगा। एक तरफ से विनाश, दूसरी तरफ से हरिनाम, और राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, माधव नाम से धरती में भक्त लोगों की इच्छा का पूर्ण करने के लिए भगवान कल्कि का जोग माया शक्ति से धर्म संस्थापना शुरू। ऐसे समय पर आज भविष्य मालिका को हम विचार करते हैं भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए। तो महापुरुष अच्युतानंद ने गुप्त ज्ञान ग्रंथ सागर में कलिजुग की ओर एक प्रमाण रखे हैं। दिव्य सिंह उनके बाबू सरबदे जीवू छाड़ी चौका गलू बोली निश्चय जानीबू। माधव माधव जय अनंत माधव गोविंद गोविंद जय श्री सत्य माधव नरवाणु तरूपरे अम्भे जन महानदी उत्तर रे संबल जे देश राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे बोले सच्चिदानंद भगवान की। महापुरुष अच्युतानंद ने गुप्त ज्ञान ग्रंथ सागर में प्रभु की अवतार धर्म संस्थापना और कलिजुग की भारत में अब चार धाम जो आदि गुरु शंकराचार्य की द्वारा प्रतिष्ठा किया गया, पहला धाम बद्री धाम और दूसरा द्वारिका धाम, तीसरा त्रेता युग में प्रभु राम के द्वारा प्रतिष्ठित पवित्र रामेश्वर क्षेत्र रामेश्वर धाम, और चौथा क्षेत्र जो जगन्नाथ क्षेत्र है वो चौथा धाम है। तो चार धाम है, चार धाम में चारों शंकराचार्य हमारी सनातन धर्म की सुरक्षा की दायित्व पर आदिगुरु शंकराचार्य ने स्थापित किए थे। आज तक वो परंपरा हमारी भारत में उज्जीवित है। तो जगन्नाथ क्षेत्र में श्री जगन्नाथ क्षेत्र की देखभाल, प्रभु की पूजा, प्रभु की सारे जो शासन और नियम को पालन कैसे और किस तरह होगा, इसी हिसाब से श्री जगन्नाथ क्षेत्र में पहले से इंद्रद्युम्न से, यानी जो इंद्रद्युम्न राजा ने भगवान के जगन्नाथ के मंदिर को निर्माण किए थे,
प्रभु को प्रतिष्ठा किए थे, उन्हीं समय में वो राज की परंपरा चलता रहता है। और महापुरुष अच्युतानंद ने कलिजुग अंत की प्रमाण के बारे में श्री जगन्नाथ क्षेत्र की जो आखिर राजा रहेंगे, यानी जिस समय पर कलिजुग को 5000 साल भोग हो जाएगा, उसी समय पर जगन्नाथ क्षेत्र में कौन राजा रहेंगे, उसका नाम क्या होगा और उसी समय वो कहाँ रहेंगे और उसी समय प्रभु का कैसे अवतार होगा, इसके बारे में भविष्य मालिका गुप्त ज्ञान ग्रंथ सागर में स्पष्ट रूप से वर्णन किए हैं। महापुरुष अच्युतानंद ने भक्त लोगों के लिए बोल रहे हैं, जब कलिजुग के महातांडव और प्रभु कल्कि की धर्म संस्थापना शुरू हो जाएगा, उसी समय कलिजुग को 5126 साल होगा और उसी समय पर जगन्नाथ क्षेत्र में जो राजा रहेंगे उनका नाम आज से 600 साल पहले उन्होंने लिख के गए थे, अभी नहीं लिखे हैं, और उनका नाम रहेगा ठाकुर श्री 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 दिव्य सिंह देव महाराज। वो भी जगन्नाथ क्षेत्र में जितने राजा रहे हैं उस राजा में वो 19तम राजा रहेंगे, और 19तम राजा जो रहेंगे उनका नाम ही चौथा दिव्य सिंह देव होंगे और उनका नाम श्री श्री ठाकुर दिव्य सिंह देव महाराज रहेगा। और अभी जो राजा है महापुरुष अच्युतानंद की वाणी के अनुसार अभी चौथे और 19तम राजा और ठाकुर राजा के नाम यही है ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज। और महापुरुष अच्युतानंद यही बोलते हैं, दिव्य सिंह अंके बाबू सर्व देखिब, यानी जब दिव्य सिंह देव राजा यहीं पर होंगे उसी समय सारे धर्म संस्थापना यानी परित्राणाय साधुनांग विनाशाय चतुष्कृतंग धर्म संस्थापनार्थाय शंभवामी जुगे जुगे, यानी साधुओं को परित्राण और पापियों को विनाश का जो कार्य है वो सभी कार्य शुरू होगा, और उसी समय श्री जगन्नाथ क्षेत्र में जो मेरा राजा रहेंगे उनका नाम चौथा दिव्य सिंह देव महाराज होगा। और आज मालिका के वाणी का प्रमाण हो गया, 5000 वर्ष अतिक्रम कर गया, आज 5126 साल चल रहा है, ऐसे समय ठाकुर राजा श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज जगन्नाथ क्षेत्र में शासन में है, ये मालिका की पवित्रता और मालिका की जो स्पष्टता यानी भगवान की वाणी जो निराधार है जो सत्य है उसका प्रमाण आज मालिका के अनुसार हो रहा है। और उसी समय में महापुरुष अच्युतानंद ने बोलते हैं, दिव्य सिंह अंके बाबू सरव देखिबू छाड़ी चक्का गलू बोली निश्चय जानिबू, यानी उसी समय मैं जगन्नाथ क्षेत्र छोड़ूंगा, उसी समय प्रभु जगन्नाथ, ये शायद भक्त लोगों को क्या लगेगा मेरे को मालूम नहीं है, पर मालिका के वाणी के अनुसार जगन्नाथ क्षेत्र से श्री जगन्नाथ का कल की अवतार धारण के समय हो चुका है और अवतार के समय भी हो चुका है। तो ऐसे समय पर महापुरुष अच्युतानंद जो लिखे थे ये उसी समय में नीलाचल क्षेत्र छोड़ के मानव रूपी नरवालुत, यानी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, नरवालुत रूप रे अम्भे जन नीबू महानदी उत्तर रे बीरजा मंडल माधव माधव जय श्री सत्य माधव बोले।
बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो महानदी के उत्तर देश में प्रभु के अवतार के बारे में महापुरुष अच्युतानंद बता रहे हैं। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में विचार करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्र, जय माता सुभद्रे, जय सुदर्शन महाप्रभु। जगन्नाथ 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 त्राहि मं, जगन्नाथ 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 रक्ष मं, जगन्नाथ 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 त्राहि मं, जगन्नाथ 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 रक्ष मं, जगन्नाथ 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 त्राहि मं, जगन्नाथ 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 रक्ष मं, जगन्नाथ 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 त्राहि मं, जगन्नाथ 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 रक्ष मं, जगन्नाथ 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 त्राहि मं, जगन्नाथ 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 रक्ष मं, जगन्नाथ 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 त्राहि मं, जगन्नाथ 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 रक्ष मं, जगन्नाथ 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 त्राहि मं, जगन्नाथ 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 रक्ष मं, जगन्नाथ 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 त्राहि मं, जगन्नाथ 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 रक्ष मं, जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्रे त्राहि मं, बलभद्रे 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 रक्ष मं, बलभद्रे 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 त्राहि मं, बलभद्रे 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 रक्ष मं, बलभद्रे त्राहि मं, बलभद्रे 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 रक्ष मं, बलभद्रे 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 त्राहि मं, बलभद्रे 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 रक्ष मं, बलभद्रे बलभद्रे सुभद्राय सुभद्राय त्राहि मं, सुभद्राय 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 रक्ष मं, सुभद्राय 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 त्राहि मं, सुभद्राय 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 रक्ष मं, सुभद्राय 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 त्राहि मं, सुभद्राय 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 रक्ष मं, सुभद्राय 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 त्राहि मं,
सुभद्राय 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 रक्षमान बोले जगन्नाथ स्वामी की। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ, हर युग में सनातन धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के पंच सखा श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास जी, श्री जसवंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी ने आज से 600 साल पहले उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन धरती पर जन्म लिया था। सतयुग में कृपा जल, त्रेता युग में नल और द्वापर युग में सुदामा जी थे, जिन्होंने अच्युतानंद दास जी के रूप में उड़ीसा में जन्म लिया और फिर वह उड़ीसा समेत पूरे देश में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में पहचाने जाने लगे। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना कर दी थी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी थी, इसी प्रकार अच्युतानंद दास जी ने भी भविष्य मालिका पुराण के 185,000 ग्रंथ लिखे। भविष्य मालिका पुराण महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा गया है। आइए हम सभी सुनते हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की अमृतवाणी भविष्य मालिका पुराण।